जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बहुत ही बड़ी चीज़ जो कि एक होम थिएटर है। अभी भाई बहुत सारे जन मुझे ये हेडफोन्स को अनबॉक्स करते हुए जानते हैं, उनका रिव्यू करते हुए जानते हैं, तो मैंने क्या सोचा कि आज आपके लिए कुछ खास लेके आते हैं। और भाई मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा है, ये मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अनबॉक्स भी करते हैं और इसका रिव्यू भी डालते हैं, क्योंकि भाई इसे मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिन से, और मैंने वापस से पैक करके रख लिया आपको अनबॉक्सिंग वाला फील देने के लिए। तो भाई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और इसकी प्राइसिंग अगर मैं बताना जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं सचिन टेक टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक देना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे दबा के ऑल कर देना है, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अनबॉक्सिंग आप तक लाते रहते हैं। तो देरी ना करते हुए इसको अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बॉक्स के ऊपर क्या देखने मिल जाता है, अपने ए 4-in-1 स्पीकर है और ज़ेब्रॉन इसके तरफ से आता है, जैसे कि द 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर्स लिखा हुआ है और मॉडल नंबर दिया गया है। बाकी इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं इस साइड दिया गया है सब, तो अभी आपको तो आई थिंक ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन देन टू मैं आप लोगों के लिए थोड़ा पढ़ लेता हूँ। इसमें LED इंडिकेटर मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, वायरलेस, फिर ब्लूटूथ, USB, SD कार्ड, FM ऑक्स, सब फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। 4.1 का चैनल सब ऑफर है, जिसकी डेंसिटी है मतलब उसको हाइट वेट बोलते हैं 150x241x237mm का है, और बाकी सब नॉर्मल है। वूफर का एक यूनिट है, सैटेलाइट 4 यूनिट मतलब 4 स्पीकर है, इनपुट केबल है, एक यूनिट रिमोट कंट्रोल है और यूज़र मैनुअल है। हाँ दोस्तों, इसमें रिमोट कंट्रोल भी है। और वूफर की डेसिबल ओम्स बताओ तो 6 ओम्स की है और सैटेलाइट 8 ओम्स की है। तो 60 वोट का स्पीकर है, अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर, तो इसको फटाक से हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो मेरी छुरी जिसने मेरा खून चूसा था या पिया था बोल सकते हो, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले 2-3 बार कट चुका है हाथ, तो इसे आराम से अनबॉक्स करते हैं। तो फर्स्ट टाइम कोई इतनी बड़ी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मेरे चैनल पे, मतलब महंगी नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ी अनबॉक्सिंग है, तो इसको काट लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ आपको फर्स्ट इंप्रेशन देखने मिलता है, ऊपर की तरफ 4 आपको देखने मिल रहा है स्पीकर्स जो रखे हुए हैं। इसको मैं निकाल के अभी इसको साइड में करता हूँ, उसके बाद एक एक स्पीकर हम लोग चेक करेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं इधर रख देता हूँ। और बाकी इधर होम थिएटर रखा हुआ है, इस प्लास्टिक के अंदर था, वो प्लास्टिक मेरे से निकल गया, मैंने मतलब जब पैकिंग किया मैं भूल गया था, तो और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता, तो इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं। और ऐसा कुछ फर्स्ट इंप्रेशन आपको देखने मिल रहा है, ये होम थिएटर का फर्स्ट इंप्रेशन है, जिसके साथ एक केबल लगा हुआ है और FM को कनेक्ट करने के लिए एक एंटीना वायर भी लगा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हो। तो भाई पूरा ब्लैक मैट फिनिश में है। नीचे की तरफ इसका स्पीकर आपको देखने मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, इधर नीचे की तरफ एक स्पीकर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो। साइड में और कुछ नहीं है दिखाने से, और पीछे स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए और आपके TV के साथ कनेक्ट के लिए इधर यूनिट दिए गए, इधर 1, 2, 3, 4 जो दिए गए, इसमें आपके स्पीकर्स कनेक्ट होंगे और लेफ्ट राइट इनपुट मतलब TV के साथ कनेक्ट के लिए ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और बाकी और इधर कुछ नहीं मिलता। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो इधर आपको ये रैपर मिलता है, इसकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी लगती है निकलने के टाइम पे। और इधर आपको एक टनल मिल जाता है जिसमें से आपका ऊपर का आवाज़ बाहर आएगा, और बेस का एक बटन मिल जाता है, साथ में वॉल्यूम का इधर आपको एक बटन देखने मिल रहा है, साथ में आपको USB अगर लगाना है, आपका USB पेन ड्राइव लगाना है तो लगा सकते हो, SD कार्ड भी डायरेक्ट लगा सकते हो, आयर ब्लास्टर मिल जाता है, मोड मिल जाता है इसमें, ऑक्स मोड, ब्लूटूथ मोड और FM मोड मिल जाते हैं, 3 मोड मिलते हैं, आप इधर से नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, तो इधर का भी बटन मिल जाता है। तो वॉल्यूम का कोई बटन इधर देखने नहीं मिल रहा है, बाकी नॉर्मली जैसे एक होम थिएटर में होता है सब कुछ दिया गया है। और इसके साथ हमें और क्या मिल जाता है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग को रिमोट और कुछ मैनुअल गाइड मिल जाते हैं, चाकू को साइड में कर लेते हैं। और ऐसा कुछ रिमोट देखने मिल रहा है जिसके अंदर बैटरी नहीं दी गई है, बहुत ही गलत बात है, एक बैटरी 20 रुपये के देने में क्या जाता है कंपनी को। तो भाई रिमोट तो बहुत बड़ा है और इसमें बटन्स आप पूछोगे क्यों है, तो ये भाई अपने जो FM रेडियो है उसको सेट करने के लिए मैनुअल अपना मोड का बटन इधर दिया गया है, बाकी वॉल्यूम ऑन ऑफ का इधर बटन है और स्टार्ट का ऑन ऑफ का बटन है, देन म्यूट का बटन है, चैनल जो आप FM के चैनल्स चेंज करोगे, और भाई इधर म्यूज़िक अगर कौन से मोड में आपको बजाना है वो आप इधर से कर सकते हो। ज़ेब्रॉन की ब्रांडिंग है और मतलब ठीक ठाक है, इतनी अच्छी क्वालिटी है आप इतने प्राइस के अंदर। और प्राइस बताने जाओ तो अराउंड आपको कुछ इसकी प्राइसिंग 2,300 रुपये मुझे पर्सनली लगी है, क्योंकि मेरे अपने जेब से पैसे डाले हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए। अभी इसके अंदर 4 स्पीकर्स कैसे मिल जाते हैं मैं चारों तो नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ एक अच्छे से मैं बता देता हूँ। तो इधर आपको कुछ ऐसे स्पीकर्स का डिज़ाइन देखने मिल रहा है, ज़ेब्रॉन की ब्रांडिंग है, इधर ये डिज़ाइन है, इधर कुछ ऐसा ग्राफिक नहीं है। और स्पीकर मिल जाता है आपको 10 वोट का और QC20, और ये आपको सिर्फ क्या करना है, किधर भी आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, आपको सिर्फ इधर ऐसा कनेक्ट करना है और भाई ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब उसके बाद आपको थोड़ा साउंड टेस्टिंग भी करा देता हूँ कि इसका साउंड कैसा है और पर्सनली मुझे क्या इसमें दिक्कत आई और क्या नहीं आई और क्या अच्छा लगा, मैं आपको
इन डिटेल एक एक करके उसके बाद बताता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है अभी अच्छे से, चारों स्पीकर कनेक्टेड है जैसे आप देख पा रहे हो, चारों स्पीकर मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी मैं पीछे से तो आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आपको ऊपर वाला कैमरे से दिख रहा है तो शायद आपको दिख जाए कि मैंने चारों इधर लगा दिए। और अभी आप सोचोगे कि जो रेड एंड व्हाइट वायर है एक इसके लिए, तो ये जो व्हाइट रखा हुआ है ये आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसको आप अपने होम थिएटर में लगाओगे। और 3.5 mm का जैक है देखने मिल रहा है, इसमें आप मोबाइल में कनेक्ट करके आप डायरेक्ट ऑक्स के थ्रू बजा सकते हो, या ये आपको मोबाइल अपने टीवी में कनेक्ट करना है उसके बाद आप टीवी के साथ भी बजा सकते हो। तो ये फिलहाल जो नॉर्मली वायर सबके साथ मिलता है वही वायर है, तो इतना तो आप स्मार्ट हो, अगर एक होम थिएटर खरीदे तो इतना तो आपको मतलब अंदाजा आ चुका होगा कि किसके लिए क्या करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक बार ऑन ऑफ कर लेता हूँ, जैसे कि देख पाओगे एक आपको इधर लाइट। तो अभी ये ऑक्स मोड में है जैसे कि ये बता चुका है, अभी रिमोट में मैंने बैटरी नहीं डाला, मेरे पास बैटरी नहीं है। तो मैं अभी क्या करूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मारेगी, तो ये मोड इधर से ही चेंज करूँगा। तो अभी ये मोड FM मोड में है, अभी ब्लूटूथ डिवाइस इस रेडी ऐसा दिखा रहा है। तो अभी जैसे कि ब्लूटूथ में है, देखते हैं कि इसका क्या नाम है ब्लूटूथ का। तो ब्लूटूथ में जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो ये Zeb Phil 4 जैसे कि मैंने बताया था, मैंने ऑलरेडी उसको बहुत टाइम चेक किया, तो ये अभी कनेक्ट हो चुका है और बजना चालू हो चुका है। तो अभी ये गाना बज रहा है, तो अभी मैं ये गाना नहीं बजाऊंगा क्योंकि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो आपको थोड़ा अच्छा सा सॉन्ग सुना देता हूँ NCS वाला, तो NCS ट्रॉपिकल लव सुना देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आवाज अभी भी फुल कर रहा हूँ, देखो बहुत सही आवाज है। बहुत अच्छा बेस आता है। अभी आपको इसमें ऐसा लग सकता है कि थोड़ा आवाज़ कम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2,300 रुपये की इसकी प्राइसिंग है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपका घर ही हीरा राजे, तो उस हिसाब से तो नहीं है। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल पार्टीज करनी है, छोटा सा होम थिएटर चाहिए आपको रेगुलर इधर से उधर लेके जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही हल्का है, आप चार स्पीकर ऊपर रख दो और गाना बजाना प्ले कर दो, प्लग एंड प्ले कर सकते हो, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इफिशियंट है और हैंडी हो जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली, थोड़ा स्पीकर का आवाज़ जो बेस है थोड़ा सा कम लगा स्लाइटली, अगर थोड़ा और अच्छा मिलता, लेकिन आप इतने प्राइस रेंज में उसके साथ कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ज़ेब्रोनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया, एक साल की वारंटी इसके अंदर मिल जाती है, और बहुत ही अच्छा अनबॉक्सिंग था, बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम मुझे लगा, क्योंकि मैं फिलिप्स का पीछे आपको शायद ही दिख रहा होगा कि मैं फिलिप्स का ऑलरेडी 4.1 यूज़ करता, उसके इतना साउंड नहीं है, लेकिन इस प्राइसिंग के हिसाब से जस्टिफाई करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसके साथ कंपेयर किया था तो बहुत इतना मतलब उसके सामने नहीं टिक पाया। लेकिन ठीक है, जो भी है, अच्छा आपको एक होम थिएटर खरीदा है 2000 तक के प्राइस रेंज के अंदर, 2300 तक के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो अमेजोन पे। तो बहुत ही अच्छा होम थिएटर निकल के, अगर आप एक होम थिएटर खरीदने का सोच रहे हो, आपके मोबाइल और आपके जो एक्सपीरियंस है टीवी देखने का अच्छा करना चाहते हो, तो इसको आप कनेक्ट करो और ज़िंदगी के मजे लो, घर पे ही होम थिएटर बना लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कोरोना चल रहा है। तो बस दोस्तों, इतनी ही वीडियो थी आप लोगों के लिए, अनबॉक्सिंग है, छोटा सा रिव्यू, और मेन और ज़्यादा रिव्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो इसका साउंड है सब बता दिया है। बेस भी बहुत अच्छा मिल जाता है अगर नॉर्मल आप यूज़ करते हो, तो आप इसको पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि पीसी के साथ कनेक्ट करने में कुछ इश्यू आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, 3.5 mm जैक के साथ आप डायरेक्टली पीसी के साथ कनेक्ट कर लो और पीसी के साथ भी आप मज़े ले सकते हो, तो उसके लिए भी कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। तो बस दोस्तों, इतने ही इस वीडियो में था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगली कोई वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।